वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ सूजी ब्रेड पिज्जा। उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, चलिए जान लेते हैं। हमें चाहिए ब्रेड स्लाइसेस, वेजिटेबल्स आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। मैं शिमला मिर्च, पालक, गाजर, टमाटर यूज कर रही हूँ। आपको चाहिए होंगे कटे हुए ऑनियन, मिर्ची। सॉसेज में आप रेड सॉस, चिली सॉस अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। मैं रेड सॉस यूज कर रही हूँ, स्वादानुसार नमक। आपको ऑयल चाहिए होगा, मैंने रिफाइंड यूज किया है। आप बटर या घी भी यूज कर सकते हैं। चीज चाहिए होगी लास्ट में गार्निशिंग के लिए, वो भी आपकी अपनी विश है। एंड सूजी आपको चाहिए होगी एक कटोरी। फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, सूजी को भिगो के रख लेना है दही में, लस्सी में या दूध में अपने अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो। मैंने दही यूज किया है। जब सूजी फूल जाए तो उसमें आपको वेजिटेबल मिक्स कर लेने हैं। ये देखिए, मैंने ऑलरेडी सब कुछ मिक्स कर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्वाद अनुसार नमक, मिर्ची अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ये बहुत अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है, या 5 मिनट तक आप मिक्स करके इसे रख ले ताकि सूजी और अच्छे से फूल जाए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सूजी बिल्कुल फूल गई है। देखिए, अब आपको क्या करना है, ब्रेड का स्लाइस ले लेना है। एंड इसमें हम लोग ये इसका बैटर यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक तरीका है। थोड़ा टेस्ट के लिए मैं सॉस को इस तरह से फैला लेती हूँ इसमें। ये आपको अच्छा टेस्ट देता है, इसलिए आपकी मर्जी। अगर आप लोग नई सॉस यूज करना चाहते हैं इस तरह से, तो ना भी करें, बाद में सर्विंग के टाइम करेंगे। अब हम इसे फैला देंगे इस तरह से। आप लोग जितनी चाहे बैटर यूज कर सकते हैं, जितना आप हैवी बनाना चाहते हैं, ठीक है। गार्निशिंग के लिए आपको थोड़ा दिखाना है तो आप टोमेटो इस तरह से यूज कर सकते हैं सजावट के लिए। इस तरह से वेजिटेबल, इस तरह से थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। चलिए, अब हम गैस ऑन कर लेते हैं। ये देखिए, तवा मैंने रख दिया है। अब हम इसमें थोड़ी सी 1 चम्मच रिफाइंड डालेंगे। आप बटर, घी अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, जो आपको ज्यादा पसंद है। थोड़ा गर्म होने दें इसे अच्छे से, इसे अच्छे से फैला लें तवे पे, क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं इसे फैलाओगे तो आपकी ब्रेड चिपकेगी। अब ये देखिए, थोड़ा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जो है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ, जो ब्रेड का जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसमें आपने स्टफिंग की है, वो वाली साइड पहले आपने सेकनी है उल्टा करके। इट्स लाइक दिस, टर्न ओवर करके, राइट। इसमें 3 से 4 मिनट लगेंगे आपको, इसे सीखने दीजिएगा अच्छे से। तो 3-4 मिनट का वेट करते हैं। ये देखिए, चिपक नहीं रहा है, ये अच्छे से हिल रहा है, इसे पकने दीजिए 3 से 4 मिनट। देखिए, अब इस थोड़ा सा खुशबू देने लग गया है, ये तो पक गया है ये। और अब हम इसे टर्न ओवर करेंगे। यस, इट्स रेडी। बहुत अच्छा लग रहा है। गार्निशिंग के लिए मैं इसमें थोड़ी सी चीज यूज कर ले रही हूँ, वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपकी विश है, आप जो चाहें। यस, लाइक दिस। थोड़ा अच्छा लगता है डेकोरेशन। आप चाहें तो इसे और भी चीजों से सजा सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग मसाला यूज कर सकते हैं इसके ऊपर। अब देखिए, इसकी ये वाली साइड भी रेडी हो चुकी है, तो हम इसे निकाल लेते हैं। बहुत ही इजी तरीका है, कोई भी बना सकता है। अब आप इसे सॉस के साथ खा सकते हैं। बहुत इजी रेसिपी है, इंस्टेंट रेसिपी है, इजीली आप बना सकते हैं। कैसी लगी आपको रेसिपी, हमें जरूर बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप कोई रेसिपी सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।